आज हम हैं अपने बगीचे में पुष्पिंदर जी के साथ। स्प्रे का जो कार्य है वो चल रहा है। हाँ जी पुष्पिंदर जी, कौन से स्प्रे कर रहे हैं आप? ये नेचुरल खेती में जिसको यूज करते हैं जीव अमृत, इसकी स्प्रे है जी। इसका क्या लाभ होगा? इसके बहुत लाभ होंगे, जो फूल होंगे वो भी टिके रहेंगे और पत्ते भी अच्छे आएंगे, स्पर भी अच्छे बनेंगे। ये नेचुरल खेती में ही होता है। पालेकर जी ने कहा है कि नेचुरल खेती का उपयोग के लिए हम जीवामृत और घन जीवामृत का उपयोग करें, कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं हम, किसी प्रकार का कीटनाशक नहीं। आपके बगीचे का क्या नाम है? इस बगीचे का किस नाम से आपका ये बगीचा चल रहा है? अच्छा, आप देख सकते हैं ये मैं कैमरामैन यज्ञ दत्त, और ये है मेरे बड़े भाई पुष्पिंदर जी, जो कि हम दोनों जो है नेचुरल खेती में काम कर रहे हैं और इस बगीचे नेचुरल तरीके से ही बागवानी भी हम कर रहे हैं। ये छोटा सा हमारा बगीचा है हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के चुरा के लेसवी गांव में। हमारे छोटे छोटे पेड़, हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से केमिकल के बिना भी हम बागवानी कर सकते हैं, इसका हमारे पास साक्षात उदाहरण है। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से, कोई केमिकल की स्प्रे नहीं करेंगे हम, और आपको लास्ट में फ्रूट लगेगा वो भी बताएंगे। ये नई कलम है, ये देख सकते हैं हमारा जो ये बगीचा है। अभी इसी साल से स्टार्ट किया है हमने कि कुछ करें। आरंभ से अंत तक आपको हम जो है इसकी जो परिणाम है उनको बताएंगे कि हमने जो प्राकृतिक रूप से जो ये बागवानी की तो क्या इसका परिणाम निकला। ये देखिए किस तरह से ये छादन किया गया है। पुष्पिंदर जी आप बताते रहे क्या और क्या क्या लाभ है इस चीज के। लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं है। नेचुरल खेती करेंगे आप, नेचुरल किसी भी तक उगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। प्राकृतिक रूप से खेती करना मतलब कि साक्षात इस नेचर से मिलना है। इसमें लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं, जीरो जीरो लागत है इसमें। कुछ भी आपने दुकान से खरीद के नहीं लाना है, कोई स्प्रे नहीं खरीदनी है, कोई कुछ नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई यूरिया नहीं, दुकान से भी कुछ लाना ही नहीं है, जो भी अपने घर का ही जीरो बजट खेती करनी होगी।
स्प्रे का कार्य जो है प्रकृति पर है, और प्राकृतिक खेती की तरह ही प्राकृतिक बागवानी करते हुए हमारे बागवान भाई आप देख सकते हैं। मैं खुद रामायण देखता हूँ। इस तरह से आप भी जीरो बजट पे जो है ये बागवानी कर सकते हैं, जहाँ पर आप हजारों लाखों की दवाइयाँ, कोई खाद, कोई कुछ आप अपने बगीचे में डालते हैं, वहाँ से अच्छा है कि आप शून्य लागत पे जो अपने बागवानी कर सकते हैं। कोई खट्टी लस्सी की स्प्रे, तो कोई जीवामृत की स्प्रे आप कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपने गोबर की खाद बना के भी अपने खेतों और अपने बगीचों में डाल सकते हैं। सुभाष पालेकर जी द्वारा ये विधि जो है संपूर्ण भारत में चल पड़ी है। अगर संपूर्ण भारत इसको अपनाता है तो आप समझ लीजिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये अभी ये देखिए स्प्रे का कार्य किस प्रकार जो है हमारे प्राकृतिक रूप से स्प्रे हो रही है, आप देख सकते हैं।
स्प्रे का कार्य अभी बागवान जो है अपने बगीचों में करते हुए।